तो कैमरा को 10 दिन के बाद जब मैं फेस कर रहा हूँ ना, मुझको जो अलग लेवल की ऑकवर्डनेस आ रही है ना, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ। साथ ही साथ मुझे खुशी भी हो रही है बिकॉज अब फाइनली चैनल पे वीडियो डल पाएगी एंड मैं बहुत खुश हूँ आज। ठीक है, देखो हर एक क्रिएटर को या फिर यूट्यूबर जो होते हैं ना, उनको एक ब्रेक चाहिए होता है ज़िंदगी के अंदर, तो मैंने फरवरी में ले लिया क्योंकि यार मैं ना थोड़ा बोर सा हो गया था, मतलब कि टू बी ऑनेस्ट मैं मुझे एक ब्रेक चाहिए था। बट अब 10 दिन के बाद आया हूँ वापस बजाने बैंड सबकी। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे एनवीडिया T400 के बारे में आप लोग बहुत टाइम से सुन भी रहे होगे, मैंने अपनी काफ़ी सारे इवन कुलदीप भाई के साथ जो लाइव स्ट्रीम करता हूँ उनके अंदर ये मेंशन करा है कि T400 का रिव्यू आता रहेगा, बट वो काफ़ी डिले हो गया। मैंने 1 महीने पहले उसकी सारी बेंचमार्किंग कर ली थी जो कि आपको आज की वीडियो के अंदर देखने वाली है। एंड अगर आप लोग इस ग्राफिक कार्ड का डिटेल रिव्यू चाहते हो ना, तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको अगर यहाँ पे देखनी है डिटेल बेंचमार्क्स, तो आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली है। बाय द वे टेम्परेचर से याद आया कि यार हम लोगों ने अपना नया थर्मल पेस्ट निकाला है, तो जो मीम बना करता था ना वो फाइनली ट्रू हो गया है। तो यहाँ पे हमारे जो थर्मल पेस्ट है उसका नाम है ग्लेशियल सील। आई होप आप लोगों ने वो स्ट्रीम को फॉलो नहीं करा होगा जिसकी वजह से आप लोगों को नहीं पता है। तो हमारा थर्मल पेस्ट फाइनली आ चुका है मार्केट के अंदर, उसका नाम है ग्लेशियल सील। एंड यहाँ पे जो थर्मल पेस्ट है ये हम लोग सेल कर रहे हैं फॉर 699। आई नो काफ़ी ट्रिकी नंबर है, बट हाँ ये वाला थर्मल पेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने खुद पर्सनली टेस्ट करा है एंड ये है नोक्टुआ NTH1 किलर। ठीक है, एंड वो आपको कितनी प्राइस पे क्या क्या ऑफर करते हैं एंड हम लोग आपको क्या क्या प्राइस पे ऑफर क्या क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को चेक करना है तो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपको गेमिंग एंड पीसी रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है तो एक बार आप मेरा चैनल देखिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करना चाहूंगा यहाँ पे आज की वीडियो के लाइक एम के बारे में, जो कि है 6000 से लेके 8000 लाइक एम कंप्लीट करवा देना। देखो बहुत मेहनत करी है भाई वीडियो के अंदर, ठीक है ना, तो कंप्लीट बेशक करवा देना। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके बॉक्स को ना खोल लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर हमको देखने को क्या क्या मिलता है। कुछ इस टाइप से आपको एनवीडिया T400 का बॉक्स देखने को मिलेगा। अंदर आपको एक अगेन ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उसको जैसे आप ओपन करते हो आपको सबसे पहले मिलेंगी मोटी मोटी बुकलेट्स एंड आपको यहाँ पे मिनी डिस्प्ले पोर्ट एडाप्टर्स भी देखने को मिलेंगे, जो की काफी अच्छी बात है, उसमें आपको अलग से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। एंड एक लो प्रोफाइल ब्रैकेट भी देखने को मिलेगा। तो यह है इसकी अनबॉक्सिंग के लिए। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की एंड इनकी अवेलेबिलिटी। तो इसकी जो प्राइस है वो है 7000 रुपीज के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा एंड अवेलेबल आराम से मिल जाएगा, रेडीली अवेलेबल है, इंडिया में जाके कहीं पे भी छान मारोगे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे T600 का भी मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज उसका एक कंपैरिजन दिया है इसके अंदर। पहले मैं GT1030 को कंपेयर करने वाला था इसके साथ क्योंकि वो 8500 का आता है तो एक अच्छा कंपैरिजन बनता, बट GT1030 तो भाई इतना बुरा था ना कि उसको कंपैरिजन में डालना मेरे बस की तो नहीं था, क्योंकि FPS ही नहीं मिल रहे थे एंड मतलब कि एक एक दो दो FPS के लिए थोड़ी ना मैं कंपैरिजन करूंगा, तो वो मैंने नहीं डाला है। वो आपको 8500 का मिलता है एंड वेट अ मिनट, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको GT1030 परचेज करना है आज के टाइम पे, मेरे भाइयों रुक जाओ, वीडियो को एंड तक देख लेना। कंक्लूजन में इंक्लूड करा है कि क्यों नहीं GT1030 लेना चाहिए आज के टाइम पे, 8500 का मिलता है वो। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे ये सारे कार्ड्स इंक्लूड करे हैं। अब आपको यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रो सीरीज के कार्ड है क्या एक्चुअली में। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा करूंगा नहीं बिकॉज मैं ऑलरेडी अपनी एनवीडिया T600 की वीडियो के अंदर ना बता चुका हूँ कि क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक कार्ड है क्या, इनका मतलब क्या होता है एंड कौन कौन लोग एक्चुअली में यूज करते हो, वो सारी बातें मैं ऑलरेडी उस वाली वीडियो में कर चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पे लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके चेक कर लेना, बट इस वीडियो के बाद जाना का क्वाड्रो के बारे में जानना है। मेन बात यहाँ पे ये है कि ये जो ग्राफिक कार्ड है जो कि है एनवीडिया का T400, ये आता है 384 क्यूडा कोर्स के साथ। इसके अंदर आपको मिलती है 2GB की GDDR6 VRAM। बाकी अगर आपको इसकी कोई भी स्पेक्स को रीड आउट करना है तो आपको साइट पे जाके चेक कर सकते हो। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्डवेयर एनकोडिंग को सपोर्ट करता है, स्ट्रीमिंग कर पाओगे, गेम्स को रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर हार्डवेयर एनकोडिंग प्रीमियर प्रो के अंदर यूज करनी है यूज कर पाओगे, वो सब आपको इसके अंदर यूज मिलता है। एंड ये है यहाँ पे बेस्ड ऑन ट्यूरिंग आर्किटेक्चर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब बात करते हैं मेरी टेस्ट बेंच के बारे में कि यहाँ पे इस वाले ग्राफिक कार्ड को मैंने रिव्यू करने के लिए या फिर इसकी बेंचमार्किंग कंडक्ट करने के लिए मैंने कौन सी टेस्ट बेंच यूज करी है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ AMD का Ryzen 9 5950X। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने मदरबोर्ड यूज करा है वो है MSI का X570 गॉडलाइक मदरबोर्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो रैम यूज करी है वो है Corsair Vengeance RGB Pro 16GB की मेमोरी कार्ड, मतलब कि 8GB की 2 स्टिक्स यूज करी है एंड इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4000 MHz की। एंड यहाँ पे जो पावर सप्लाई मैंने यूज करी है वो है Corsair की RM850X। एक यहाँ पे छोटी सी इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि सारे गेम्स को बेंचमार्क करा गया है ऑन 1080p रेजोल्यूशन। आपको वीडियो के अंदर और भी चीजें पता लगेंगी एंड
एक चीज और कि यहाँ पे जो मेरे रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर है वो है 22 डिग्री सेल्सियस व्हाइल कंडक्टिंग द बेंचमार्क। तो यहाँ पे जो सबसे पहला गेम है वो है Assassin's Creed Valhalla, जिसको मैंने चलाया है लो क्वालिटी प्रीसेट पे, एंड यहाँ पे जो एंटी एलिजिंग है उसको मैंने रखा है लो पे। एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो NVIDIA का T400 है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस गेम को चलाने में। एंड मेरा ना यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको यहाँ पे स्टोरी मोड बेस्ड गेम्स के अंदर कॉन्स्टेंट 30 FPS मिल जाए ना, तो एक बार को आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो प्लेबल हो भी सकता है एंड आपको मजा आ भी सकता है। बट यहाँ पे NVIDIA T400 के केस के अंदर हमको ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो 1% लोस भी है ना वो कोई इतने अच्छे हमको देखने को मिलते नहीं है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो NVIDIA का T400 है वो 92% स्लो परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू NVIDIA T600। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि है Battlefield 5। एंड यहाँ पे मैंने इसको T400 के केस के अंदर दो सेटिंग्स पे चलाया है, जो कि है लो सेटिंग्स एंड मीडियम सेटिंग्स प्रीसेट। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगी लो क्वालिटी प्रीसेट एंड यहाँ पे TAA को मैंने रखा है लो पे। इसके अंदर हमको अराउंड 51 FPS का एवरेज मिल जाता है, जो कि अगेन अच्छा खासा प्लेबल FPS है। वहीं पे बात करें मिडिल स्क्रीन की, तो यहाँ पे जो सेटिंग यूज करी गई है वो है मीडियम सेटिंग प्रीसेट एंड यहाँ पे TAA को रखा है हाई पे। इवन ऑन मीडियम सेटिंग्स हमको यहाँ पे NVIDIA का T400 मीडियम सेटिंग प्रीसेट पे देता है वेल ओवर 35 FPS एंड यहाँ पे जो 1% लोज है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो NVIDIA का T600 है वो 32% फास्टर परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू NVIDIA का T400। बाय द वे मैंने आपको यहाँ पे जो परसेंटाइल डिफरेंस बताया वो बताया है बिटवीन NVIDIA T600 एंड NVIDIA T400। मिडिल स्क्रीन एंड राइट स्क्रीन के अंदर दोनों के अंदर जो यहाँ पे सेटिंग्स यूज करी गई है वो है मीडियम सेटिंग प्रीसेट विद TAA सेट टू हाई। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है डूम इटर्नल, जो कि काफी एंजॉयबल गेम है एंड यहाँ पे इस वाले गेम को मैंने चलाया है लो सेटिंग प्रीसेट पे। इस गेम को भी आप आराम से एंजॉय कर सकते हो, बट वही बात है कि डूम इटर्नल में जितने FPS ज्यादा मिले ना उतना मजा आता है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा बात करें यहाँ पे T600 के कंपैरिजन में, तो NVIDIA T400 32% स्लो परफॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है मेट्रो एक्सोडस, इसको मैंने यहाँ पे चलाया है नॉर्मल सेटिंग प्रीसेट पे विद एनिस्ट्रोपिक फिल्टरिंग सेट टू 4X TF। इस वाले गेम के अंदर सीन थोड़ा खराब हो जाता है एंड मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इस वाले गेम को इस वाले ग्राफिक कार्ड के साथ खेलो, बिकॉज आपको यहाँ पे जो एवरेज FPS मिलता है वो बहुत ही कम मिलते हैं एंड यहाँ पे जो NVIDIA का T400 है वो अराउंड 88% स्लो परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू NVIDIA का T600। एटलीस्ट आप NVIDIA T600 के अंदर इस गेम को खेल सकते हो, 30 FPS मिलते हैं, खेल सकते हो। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है Shadow of the Tomb Raider एंड इस वाले गेम को मैंने चलाया है यहाँ पे दो सेटिंग्स पे। पहली सेटिंग है लो सेटिंग प्रीसेट एंड जो सेकंड सेटिंग है वो है मीडियम सेटिंग प्रीसेट। इस गेम को मैंने यहाँ पे टेस्ट करा है DirectX 12 पे एंड यहाँ पे जो एंटी एलिजिंग है उसको मैंने रखा है SMAA के ऊपर। NVIDIA T400 के अंदर जो लो सेटिंग प्रीसेट है उसके अंदर एक्सपीरियंस जो था प्लेबल था। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँ विद NVIDIA T600, तो यहाँ पे जो NVIDIA T400 है वो अराउंड 56% स्लो परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू T600। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है GTA 5, जो कि सबका फेवरेट गेम है, आज तक लोग खेलते हैं इसको। इस वाले गेम को मैंने यहाँ पे चलाया है ऑन नॉर्मल सेटिंग्स एंड यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन MSAA को रखा है ऑफ पे एंड एनिस्ट्रोपिक फिल्टरिंग को भी रखा है ऑफ पे। अब क्योंकि ये गेम बहुत पुराना हो चुका है तो यहाँ पे ज्यादा FPS मिलना नॉर्मल सी बात है, बट स्टिल आपको एक कंपैरिजन के लिए बताया था कि यहाँ पे जो NVIDIA का T600 है वो 43% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू NVIDIA का T400 इन दिस स्पेसिफिक गेम। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है Watch Dogs Legion, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है। इसको मैंने यहाँ पे चलाया है लो सेटिंग प्रीसेट पे। यहाँ पे भी NVIDIA T400 काफी स्ट्रगल कर रहा है इसको चलाने में एंड 1% लोस को इतना ज्यादा खास नहीं मिलते। वहीं पे T600 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको 1080p लो सेटिंग्स पे गेमिंग करनी है, उसके लिए मैं वो वहाँ पे आराम से रेकमेंड कर सकता हूँ। बाय द वे जस्ट फॉर द कंपैरिजन, यहाँ पे जो NVIDIA T400 है वो 75% स्लो परफॉर्म करता है इस गेम के अंदर व्हेन कंपेयर टू NVIDIA T600। अब जो यहाँ पे मैं आपको गेम बताने वाला हूँ ना वो है Far Cry 6। इसकी परफॉर्मेंस देख के ना T400 के अंदर आप बोलोगे कि भाई मुझे मारो, भाई मारो लिटरली। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि NVIDIA T400 बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस देता है। मेरा जो मानना है वो ये है बिकॉज ऑफ VRAM यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, जो कि सिर्फ 2GB है एंड उसकी वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बाउंड हो चुकी है एंड इतनी ज्यादा बाउंड हो चुकी है कि ये 8.5 times स्लो परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू NVIDIA T600, जबकि इस गेम को सिर्फ चलाया गया है लो सेटिंग प्रीसेट पे एंड एंटी एलिजिंग को रखा है TAA के ऊपर। स्टिल यहाँ पे जो VRAM कंजप्शन था ना वो आराम से 3.5 GB का जा रहा था एंड मेरे हिसाब से यही वो रीजन है जिसकी वजह से NVIDIA T400 ऐसा परफॉर्म कर रहा है इस वाले गेम के अंदर। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर, इसको मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे भी प्लेएबल FPS मिल रहे थे, मतलब कि थोड़ा बहुत आप कर सकते हो एंजॉय। कुछ कुछ सीन्स के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा FPS का, बट ओवरऑल आपको यहाँ पे ऑन एन एवरेज 30 FPS काइंड ऑफ मिल रहे थे इस गेम के अंदर। बट अगर इसको कंपेयर करें NVIDIA के T600 से तो यहाँ पे 52% स्लो परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर टू T600। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है डेथ स्ट्रैंडिंग, इसको मैंने चलाया है लो सेटिंग प्रीसेट पे, यहाँ पे एंटी एलिजिंग को रखा है ऑफ पे। इस वाले गेम के अंदर भी आपको NVIDIA का T400 अराउंड 30 FPS दे देगा, जो कि काइंड ऑफ प्लेबल है, बट व्हेन कंपेयर्ड विद NVIDIA T600 तो अराउंड 70% स्लो परफॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है एक ई-स्पोर्ट टाइटल जो कि है CS:GO, इसको मैंने चलाया है मीडियम सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे मैंने MSA को रखा है 4X पे एंड यहाँ पे जो टेक्सचर फिल्टरिंग है उसको रखा है 16X पे। अब देखो वैसे तो हमको पता है कि ई-स्पोर्ट्स के अंदर हमको जितने ज्यादा FPS मिले उतना बढ़िया है, बट हमको यहाँ पे NVIDIA का T400 देता है 109 FPS ऑन एन एवरेज एंड व्हेन कंपेयर्ड विद NVIDIA T600 तो 61% स्लो परफॉर्म करता है ये।
वाला ग्राफिक कार्ड। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट दो गेम है उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे एनवीडिया T600 के बेंचमार्क्स नहीं दिखा पाऊंगा। रीजन क्या है कि उस टाइम पे मैं ये वाले गेम्स को बेंचमार्क नहीं करता था एंड ये मैंने अभी अभी अपनी बेंचमार्किंग लिस्ट में ऐड करे हैं। तो इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे जो पहला गेम है वो है गॉड ऑफ वॉर, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग प्रीसेट पे एंड यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 22 FPS के एवरेज। तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप ये वाला गेम इस पे खेलो। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो लास्ट गेम है वो है फोर्जा होराइजन 5, जिसके अंदर मैंने रेजोल्यूशन स्केल को रखा है क्वालिटी पे एंड यहाँ पे यूज करी है लो क्वालिटी प्रीसेट। इसके अंदर हमको अच्छे FPS मिल जाते हैं जो कि अराउंड 49 FPS ऑन एन एवरेज एंड 1% लोस भी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से गेम काम कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी गेम्स थे जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं GTA 5 के अंदर हाई सेटिंग्स पे ये गेम नहीं चल रहा था, रेड डेड रिडेम्पशन 2 तो भाई लॉन्च ही नहीं हो रहा था एंड इवन मार्वल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी यहाँ पे लॉन्च नहीं हो रहा था। तो ये 2-3 गेम थे जो कि यहाँ पे नहीं चल पाए। तो मैंने आपको यहाँ पे 1080p रेजोल्यूशन के बेंचमार्क्स तो दिखाई दिए, बट मैं आपको यहाँ पे एक और डिटेल कंपैरिजन देना चाहता हूँ बिटवीन 720p एंड 1080p रेजोल्यूशन, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको 720p पे कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला गेम है वो है Assassin's Creed Valhalla, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे 720p रेजोल्यूशन के अंदर हमको 50% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है व्हेन कंपेयर टू 1080p रेजोल्यूशन। वहीं पे जो सेकंड गेम है वो है Battlefield 5, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे 720p रेजोल्यूशन पे हमको 76% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है व्हेन कंपेयर टू 1080p रेजोल्यूशन। उसके बाद जो गेम है वो है Doom Eternal, इसको भी मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे हमको 720p पे 45% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है व्हेन कंपेयर टू 1080p रेजोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है GTA 5, जिसको मैंने चलाया है नॉर्मल सेटिंग्स पे एंड 720p रेजोल्यूशन के अंदर हमको 22% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है व्हेन कंपेयर टू 1080p रेजोल्यूशन। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट गेम है वो है मेट्रो एक्सोडस, जिसको मैंने चलाया है नॉर्मल सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे भी हमको जो डिफरेंस मिलता है वो है 31% का। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है शैडो ऑफ द टूम रेडर, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड अगेन यहाँ पे 720p रेजोल्यूशन के अंदर हमको यहाँ पे 64% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है व्हेन कंपेयर टू 1080p रेजोल्यूशन। उसी के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है वॉच डॉग्स लीजन, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे भी हमको जो डिफरेंस मिलता है वो है 62% का। एंड वंस अगेन यहाँ पे काफी अनएक्सपेक्टेड नंबर के साथ आता है फार क्राई 6, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे हमको 2.13 टाइम्स ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है व्हेन कंपेयर टू 1080p रेजोल्यूशन। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे हमको डिफरेंस मिलता है 83% का। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है डेथ स्ट्रैंडिंग, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे हमको जो डिफरेंस मिलता है वो है 63% का। नेक्स्ट गेम है एक ई-स्पोर्ट टाइटल जो कि है CS:GO, इसको मैंने चलाया है मीडियम सेटिंग्स पे एंड हमको यहाँ पे जो डिफरेंस मिलता है वो है 76% का। बट 720p में थोड़ा विजुअल कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं कि बहुत क्लियर एंड शार्प इमेज क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। मुझे तो एक बारी को लग रहा था कि मेरे चश्मे का नंबर बढ़ चुका है। चलो मजाक छोड़ते हैं, यहाँ पे जो नेक्स्ट गेम है वो है गॉड ऑफ वॉर, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे भी हमको जो डिफरेंस मिलता है वो है 77% का। एंड उसी के साथ यहाँ पे जो लास्ट गेम है वो है फोर्जा होराइजन 5, जिसको मैंने यूज करा है ऑन लो सेटिंग्स प्रीसेट एंड यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो है 24% का। वीडियो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल बनाने के लिए मैंने करा क्या कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड करे हैं DLSS एंड FSR कंपैरिजन, क्योंकि अल्टीमेटली इनसे FPS बढ़ते हैं ना। तो चलो देखते हैं ऑन करके कि यहाँ पे कौन सी सेटिंग पे हमको कितना कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलता है FPS का। एंड बाय द वे मैंने सारे के सारे गेम्स को टेस्ट करा है ऑन 1080p रेजोल्यूशन, क्योंकि यार 1080p पे ना ये वाला कार्ड काफी स्ट्रगल कर रहा है। तो चलो इसके FPS बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हमको DLSS एंड FSR कौन ज्यादा बेनिफिट करता है। तो यहाँ पे जो पहला गेम है वो है वॉच डॉग्स लीजन, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग प्रीसेट पे एंड अभी मैं आपको यहाँ पे जो भी DLSS की सेटिंग बताऊंगा वो चलेंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिस्पेक्टिवली। पहला जो केस है वो है बिल्कुल स्टॉक, मतलब के DLSS ऑफ है यहाँ पे। जो सेकंड केस है वो है परफॉर्मेंस मोड, थर्ड केस है बैलेंस मोड एंड जो फोर्थ केस है वो है क्वालिटी मोड। अब देखो मेरे साथ ना यहाँ पे एक बहुत वियर्ड चीज हुई है कि यहाँ पे स्टॉक मतलब कि DLSS ऑफ के अंदर FPS ज्यादा आ रहे हैं बट डिफरेंट DLSS सेटिंग के अंदर FPS कम आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, बट हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बट जैसा भी आपके सामने जो भी है, पहले मुझे लग रहा था कि शायद से इस गेम के अंदर कुछ इशू हो सकता है, बट स्टिल मैंने यहाँ पे सेकंड गेम को यूज करा जो कि है डेथ स्ट्रैंडिंग, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग प्रीसेट पे विद एंटी एलिजिंग ऑफ एंड इसके अंदर भी सिमिलर ही चीज थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और गेम को टेस्ट करा जो कि है गॉड ऑफ वॉर, जिसको मैंने चलाया है लो सेटिंग प्रीसेट पे एंड इस वाले गेम के अंदर हमको एटलीस्ट अल्ट्रा परफॉर्मेंस मोड पे 24 FPS मिले, जो कि स्टॉक से ज्यादा थे। भले 2 FPS ज्यादा बट थे तो थे, वो मैंने आपको बता दिए। बट स्टिल तीनों ही गेम के अंदर बहुत वियर्ड सी चीजें देखने को मिली, तो मैंने आपको बता दिए वो सारी चीजें। प्लस यहाँ पे मैंने FSR का भी कंपैरिजन करा है, तो यहाँ पे जो FSR था ना वो सिर्फ गॉड ऑफ वॉर के अंदर ही सपोर्टेड था एंड यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर को मैंने चलाया है लो सेटिंग प्रीसेट पे एंड यहाँ पे हमको एक्चुअली में परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट देखने को मिले हैं डिफरेंट सेटिंग्स ऑफ FSR। परफॉर्मेंस मोड के अंदर हमको मिले 38 FPS, बैलेंस के अंदर 32, जो कि स्टॉक से काफी ज्यादा है एंड पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को काफी प्लेबल भी बना देते हैं गॉड ऑफ वॉर के लिए अगर आप FSR को ऑन करते हो। अब क्योंकि आप इतना डिटेल में चले ही गए हैं, तो एक काम करते हैं DLSS वर्सेस FSR की पिक्चर क्वालिटी में कंपैरिजन करते हैं एंड इसको यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने यूज करा है गॉड ऑफ वॉर, जिसके अंदर सेटिंग्स यूज करी है लो क्वालिटी प्रीसेट एंड यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ परफॉर्मेंस प्रीसेट का, जिसके अंदर हमको DLSS देता है 20 FPS एंड FSR देता है 38 FPS। बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा जूम करोगे ना, तो यहाँ पे जो FSR की पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हो थोड़ी ब्लर सी हो रखी है, बट वहीं पे जो DLSS है उसकी पिक्चर क्वालिटी काफी शार्प दिख रही है। वैसे इसका हमारी वीडियो से कुछ लेना देना नहीं है, बट आपकी नॉलेज को थोड़ा
इंक्रीज करने के लिए या फिर एनहेंस करने के लिए ये वाला कंपैरिजन भी मैंने दिखा दिया आपको। अभी जो आपके सामने पहला ग्राफ है वो आपको डिफरेंस बताएगा बिटवीन एनवीडिया T400 वर्सेस एनवीडिया T600। एंड यहाँ पे मैंने जो गेम्स का एवरेज लिया है वो है 11 गेम्स का एवरेज। एंड यहाँ पे जो मैंने रेजोल्यूशन सेलेक्ट करा है वो है 1080p रेजोल्यूशन। इन सारे के सारे गेम्स का एवरेज लेके मैंने ये कंक्लूड करा है कि यहाँ पे जो एनवीडिया का T400 है वो 65% स्लो परफॉर्म करता है व्हेन कंपेयर्ड टू एनवीडिया T600। एंड उसी के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ग्राफ है वो आपको डिफरेंस बताएगा बिटवीन 720p रेजोल्यूशन वर्सेस 1080p रेजोल्यूशन कि इन दोनों रेजोल्यूशन के बीच में एक्चुअली में कितना परसेंट का डिफरेंस है व्हेन बेंचमार्क्ड ऑन एनवीडिया T400। तो यहाँ पे मैंने लिया है 13 गेम्स का एवरेज एंड यहाँ पे अराउंड 720p रेजोल्यूशन के अंदर एनवीडिया T400 54% ज्यादा परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू 1080p रेजोल्यूशन। बट फिर देखो यार वो ये कि 720p रेजोल्यूशन ना बहुत पुराना स्टैंडर्ड हो चुका है एंड अगर आपको यहाँ पे सीरियसली वो अच्छी शार्प पिक्चर क्वालिटी चाहिए ना तो आपको 1080p पे जाना ही पड़ेगा। 720p पे आप कितनी भी हाई सेटिंग्स लेके चले जाओ बट वो जो शार्पनेस होती है ना वो आपको मिल नहीं पाएगी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ एप्लीकेशन बेंचमार्क्स की तरफ एंड यहाँ पे मैंने यूज करा है एडोब प्रीमियर प्रो 2022। मैंने यहाँ पे जो रेंडरिंग के लिए फाइल यूज करी है वो है ब्लैक मैजिक रॉ 4K DCI एंड मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करा है टू H.264 4K। एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे हार्डवेयर एनकोडिंग यूज करी है क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की पावर को देखना था कि ये कितना टाइम लेती है इस फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे इस फाइल का जो लेंथ है वो है 1 मिनट एंड 20 सेकंड्स एंड यहाँ पे जो टाइम लिया है एनवीडिया T400 ने इसको रेंडर करने के लिए वो है 1 मिनट एंड 4 सेकंड्स। तो अगर आप यहाँ पे इस वाले ग्राफिक कार्ड को एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो मेरे हिसाब से एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है 8000 रुपए तक के लिए बिकॉज आपको ये आराम से रेंडरिंग भी करवा देगी। बिकॉज अगर सिमिलर प्राइस टैग में आप देखो ना तो GT 1030 आता है बट उसके अंदर आपको हार्डवेयर एनकोडिंग नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो ये स्ट्रीमिंग के लिए कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस देगा। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे करा ये है कि मैंने यहाँ पे OBS को चला लिया है एंड यहाँ पे आप आउटपुट के अंदर देख ही सकते हो जो स्ट्रीमिंग सेटिंग्स है उसके अंदर मैंने जो वीडियो बिटरेट रखा है वो है 7500 kbps। एनकोडर के अंदर मैंने यहाँ पे यूज करा है NVENC एनकोडर जो कि NVIDIA का ही एनकोडर है, जैसे कि आप देख ही सकते हो वही हम ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात प्रूफ हो जाती है कि इसके अंदर आपको हार्डवेयर एनकोडिंग मिलती है, मतलब कि यहाँ पे AMD को कुछ सीखना चाहिए कि उनके 6500 XT एंट्री लेवल ग्राफिक कार्ड के अंदर हार्डवेयर एनकोडिंग नहीं है बट इस T400 के अंदर जो कि 8000 रुपए का ग्राफिक कार्ड है ना इसके अंदर भी हमको हार्डवेयर एनकोडिंग देखने को मिलती है। वेल ये तो बात हो गई सारी सेटिंग्स की। अब यहाँ पे मैंने जो गेम को स्ट्रीम करा है वो है GTA 5 जिसको मैंने चलाया है ऑन नॉर्मल सेटिंग्स एंड यहाँ पे आप स्ट्रीम कर सकते हो। अब देखो GTA 5 ना बहुत पुराना गेम है तो मैंने स्ट्रीमिंग करके देखी, आराम से स्ट्रीम हो रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पे वैलोरेंट को भी चला के देखा, वो भी स्ट्रीम हो रही थी। तो आप यहाँ पे जो पुराने AAA टाइटल्स है उनको एटलीस्ट इस पे स्ट्रीम कर सकते हो। आप कोई लेटेस्ट AAA टाइटल उठा के ले उसको स्ट्रीम करोगे ना तो मैं बता दूं कोई मजा नहीं आने वाला, ना आप खेल पाओगे एंड ना ही जो सामने देख रहा है उसे मजा आएगा। हाँ जो थोड़े लाइट गेम्स है जैसे कि वैलोरेंट हो गया ये सब आप फिर भी चला सकते हो, आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे देगा। एंड बाय द वे जो आउटपुट है ना वो 1080p पे है, मतलब कि मैंने 1080p पे स्ट्रीम करा है। एंड यहाँ पे जो स्ट्रीम की क्वालिटी है ना उसको देखने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया अपने दूसरे चैनल का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि इसकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी एक्चुअली में कैसी है एंड कैसी परफॉर्मेंस है एंड कितना स्मूथ था पूरा गेम प्ले। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सिंथेटिक बेंचमार्क्स की। यहाँ पे मैंने यूज करा है 3DMark का फायर स्ट्राइक एंड टाइम स्पाय। एनवीडिया T400 केस के अंदर हमको जो फायर स्ट्राइक का स्कोर मिलता है वो है 4027 एंड T600 के अंदर मिलता है 6732 का स्कोर। वहीं पे बात करें हम टाइम स्पाय की तो हमको एनवीडिया T400 के अंदर जो ग्राफिक स्कोर मिलता है वो है 1485 एंड यहाँ पे एनवीडिया T600 के अंदर जो ग्राफिक स्कोर मिलता है वो है 2204 का स्कोर। एंड अब यहाँ पे इस वाली पूरी बेंचमार्किंग का जो लास्ट पार्ट रह गया वो है पावर कंजप्शन। यहाँ पे मैंने इस टेस्ट के लिए यूज करा है फर्मार्क एंड यहाँ पे जो मैंने रेजोल्यूशन सेलेक्ट करी है वो है 4K एंड यहाँ पे मैंने एंटी लिजिंग को रखा है 8X MSAA के ऊपर। मैंने यहाँ पे इस वाले टेस्ट को रन करा है फॉर 15 मिनट्स एंड यहाँ पे इस वाले ग्राफिक कार्ड का जो कि है एनवीडिया का T400 इसका जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन गया है वो है 34 वॉट्स का। तो मैंने आपको यहाँ पे इसकी सारी की सारी बेंचमार्किंग करके दिखा दी है एंड अगर अभी भी आप लोगों को डाउट है ना तो मुझे नहीं पता कि आपको किसकी वीडियो हेल्प करने वाली है क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं छोड़ा है मेरे हिसाब से। तो चलो एक काम करते हैं, अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो चलो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि क्या आपको एक ग्राफिक कार्ड परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। मेन बात यहाँ पे ये है कि ये जो ग्राफिक कार्ड है ना ये आपने देख लिया कोई इतना पावरफुल ग्राफिक कार्ड नहीं है। अगर आप एक ऐसा पीसी बिल्ड बना रहे हो जो कि आई थिंक क्वाड कोर टाइप्स के CPUs के साथ आता हो एंड आपको वहाँ पे कोई IGPU नहीं मिलता उसके अंदर एंड अगर आपको यहाँ पे बेसिक गेमिंग करनी है, बेसिक स्ट्रीमिंग या फिर कुछ हार्डवेयर एनकोडिंग लेवल काम करना है ना तो आप यहाँ पे स्टिल इसको कंसिडर कर सकते हो परचेज करना। अगेन ये आपको 7000 रुपए तक का मिलेगा। वहीं पे अगर मैं आपको थोड़ा और अच्छा बता दूं ना तो T600 मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस हो सकती है बिकॉज पहली बात उसके अंदर 4GB की VRAM मिलती है, वो इसके कंपैरिजन में एक्चुअली में पावरफुल ग्राफिक कार्ड भी है जो कि आपको अगर आप 1080p लेवल की लो टू मीडियम सेटिंग पे गेमिंग करना चाहते हो तो आपको आराम से करवा के देगा एंड आपको कुछ भी इस टाइप का जैसे इसके अंदर आपको यहाँ पे काफी बीच बीच में लैग्स एंड स्टटर्स देखने को मिल रहे थे ना उसके अंदर आपको ऐसे एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाले एंड आप गेमिंग एटलीस्ट कर तो सकते हो उसके अंदर। एंड RX 570 अगेन एक मच बेटर चॉइस है अगर आप उसको खरीदना चाहते हो तो वो तो उससे भी अच्छा परफॉर्म करता है बट वो नया नहीं मिलता, आपको वो सेकंड हैंड ही परचेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेरे उन भाइयों के लिए एंड भाइयों की बहनों के लिए ये वाली बात कि जो लोग GT 1030 में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं
देखो मेरी बात मानो मत करो, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे GT 1030 को चला के देखा, मैंने पहले ही गेम चलाया ना, मेरा मूड ऑफ हो गया। अब मूड ऑफ ऐसे हुआ कि भाई FPS ऐसे मिल रहे थे, मैंने सोचा कि इसको बेंचमार्क करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सच में बहुत पुराना ग्राफिक कार्ड है, इसमें कुछ दम रहा नहीं है, तो ये नहीं चला पाएगा। T400 उसके कंपैरिजन में स्टिल एक बेटर ऑप्शन है, एंड काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ भी आते हैं, जैसे कि हार्डवेयर एनकोडिंग। आपको GT 1030 में हार्डवेयर एनकोडिंग नहीं मिलती, बट आपको T400 के अंदर NVENC एनकोडर मिलता है, जिसकी वजह से आप स्ट्रीमिंग, अगर आप गेम्स को रिकॉर्ड करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे किसी एप्लीकेशन के अंदर हार्डवेयर एनकोडिंग का यूज़ करा वो आप वहाँ पे कर सकते हो, बट GT 1030 आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं देगा। तो GT 1030 कोई फायदा नहीं है खरीदने का, 8000 रुपये में आग लगाओगे, मोर ओवर 8500 में आग ही लगाओगे, तो उसको तो खरीदना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, मत खरीदना, सही बोल रहा हूँ। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर हर एक वो पॉइंट क्लियर कर दिया जो कि आप लोगों को डाउट हो सकता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। बाकी अगर आपको अमेजन से कुछ ही परचेज करना है तो नीचे देख लिंक से परचेज कर सकते हो, एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज एंड बाय बाय।